अज असी माता चंद कौर एक्शन कमेटी के सदे से साडे बहुत ही पूजनिक सतगुरु माता चंद कौर जी का अज तो 6 साल पहला श्री भैनी साहब गुरद्वारा के कतल हो गया सी। उस केस नू अजे तक जिहड़ा उह CBI ने कोई उहदी शुरुआत नहीं की, उहनू कढवाउण दे लई अज असी मानयोग गृह मंत्री श्री अमित शाह नू मंग पत्र देण वास्ते उत्ते सारी साध संगत पहुंचे हाँ जी। तो साडा इस तो पहला जिहड़ा एक्शन सी बहुत वड्डे पद्धर ते एक्शन सी, पर असी इस नू छोटे पद्धर ते जिहड़ा उह समअप कीता हैगा। तो असी सरकार नू इह पहला बेनती करन आए हां कि इस कतल की जिहड़ी इनवैसटीगेशन है उह जल्दी तो जल्दी की जाए। तो नामधारी संगत के जिहड़ा वह बहुत भारी रोष है। इन्हां थोड़ियां जिहियां ते मैं गल्लां ते तुहानूं दस दिआं कि जिहड़ा भैणी साहब गुरद्वारा वह एक 4 दीवारी नुमा किला हैगा, उहदे विच CCTV कैमरे 50 तो वध जिहड़े प्राइवेट सुरक्षा गार्ड ते 50 दे लगभग जिहड़े आ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे उत्थे बंदे लगे हुए आ। ईवन इत्थों तक कि जिहड़े इस वेले गद्दी ते विराजमान आ ठाकुर उदय सिंह, उहनां दे माता जी नूं भी अंदर जिहड़ा दाखल नहीं होण दित्ता जांदा। तो उस साडा इह शक दा दायरा हैगा कि उत्थे कातल किवें जिहड़े उह कतल करके माता जी का वो उतों बाहर सेफली चले गए। ये साड़ी मंग हैगी पुरजोग के जिन्हों का जिहड़े नाल माता जी बैठे सी ड्राइवर के नाल करतार सिंह दे, उन्होंने भी ईवन पुछगिछ लई नहीं सद्या गया। साड़ी ये सारयां दी बेनती आ मानयोग गृह मंत्री जी नूं कि इस दी पुछताछ की जाए, तो उन्होंने जिहड़े नज़दीकी सज्जण हैगे आ उन्हां दा रिमांड लैके ये जिहड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन सर इससे पहले भी लगातार जो है आप प्रदर्शन करते आए हैं, गृह मंत्री से मिल भी चुके हैं, क्या अभी तक कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई है? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी हुई, इसी करके हमको दोबारा जिहड़ा ये एक्शन लेना पड़ रहा है। तो असी ये चैलेंज करते हैं सरकार को कि जे साड़ी हुण भी जिहड़ी वह कोई कार्रवाई इस पर ना की गई तो उस तो अगे असी वड्डी पद्धर ते इत्थे मुजाहरा करांगे। ईवन असी PM ऑफिस का गृह मंत्री ऑफिस का घराओ करांगे, जे फिर भी ना गल मनी गई मरण वर्त रखांगे ते जेल भरो अंदोलन जिहड़ा असी शुरू करांगे। मेरा नाम सुखदेव सिंह, मास्टर सुखदेव सिंह, माता चंद कौर एक्शन कमेटी। असी सरकार नूं इहो ही बार बार बेनती करनी चाहुंदे आं भी 2016 दे विच 4 अप्रैल 2016 दे विच माता चंद कौर जी का कतल हो गया, तो अज तक वो 2017 दे विच माता चंद कौर जी का जिहड़ा कतल की इनवैसटीगेशन आ वह CBI को चली गई, तो अज तक 6 साल तकरीबन हो गए ने, अजे तक उहदा कोई भी सानू इंसाफ नहीं मिलिया, ना CBI तो, ना किसी सरकार तो, ते ना पंजाब पुलिस तो, किसी तो भी सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया। मैं एक गल बड़ी बार बार ये गल पुछना चाहना भी 50 बंदे उत्थे किला नुमा गुरद्वारा भैणी साहब दे विच 50 बंदे सिक्योरिटी दे उत्थे बैठे होण, ते 50 ही बंदे उत्थे उन्हां दे अपने उत्थे अंदर बैठे होण, ते 2 बंदे आण के उस किले दे विच माता चंद कौर जी नूं कतल करके चले जांदे आ, ते ओ ना कोई उतों फड़िया जाता, ना किसी नूं रैसट हुंदा। ये बड़ी एक ना सोची समझी साजिश, मेरे ख्याल अनुसार एक सोची समझी साजिश के तहत माता जी का कतल होया। की करन दे बावजूद भी ये जिहड़ी आ इहदी इनवैसटीगेशन सही ढंग नाल नहीं की गई। जेकर सानू इंसाफ ना मिलिया, पहलों साथी दस के गए आ, असी मरण वरते भी मांगे, घराओ भी करांगे, बहुत वड्डे लार्ज स्केल ते सारियां जिहड़ियां संप्रदावां ने सिख जथेबंदियां या निर्मले संत या होर भी संत समाज सारे नूं नाल लै के एकत्र करके एक बहुत वड्डा लामिसाल जिहड़ी आ इह रोस रैली इत्थे जिहड़ी करांगे ते मुजाहरा करांगे। जे साडी ना सुनवाई होई ते मरण वरते बह जांगे।